मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम हिंदी में करेंगे आई की मात्रा। किसकी मात्रा? आई की। ये है आई, आई से ऐनक, है ना? तो आई की मात्रा कौन सी होती है? ये होती है। ये किसकी मात्रा है? आई की। जो दो आती है ना ऊपर, वो किसकी मात्रा होती है? आई की मात्रा। ठीक है, तो आई की मात्रा मात्रा क से ज्ञ तक, आई की मात्रा क से ज्ञ तक। आज हम क से ज्ञ तक आई की मात्रा लगाएंगे, है ना? तो वो मैं आपको बताती हूँ, एक बार वापस से देखेंगे। ये किसकी मात्रा है? आई की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? आई की, आई से ऐनक। ये किसकी मात्रा? जो दो मात्रा एक साथ लगती हैं वो किसकी होती है? आई की मात्रा, है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे क से ज्ञ तक आई की मात्रा लगाना। क पर हमने आई की मात्रा लगाई तो क्या हो गए? कई, ख पर लगाएंगे तो खई, गई, घई, अण, ओके, चई, छाई, जाई, जाई, अने, टई, ठाई, डई, ढई, अने, ओके, तई, थाई, दई, धई, नई। ठीक है, तई, थाई, दई, धई, नई, पई, फई, बई, भई, मई, यई, रई, लई, वई, शई, शई, सई, हई, शई, त्रई, गई। जैसे क पर हमने आई की मात्रा लगाई तो कई, आई की मात्रा, है ना? दो जो मात्रा होती है वो आई की मात्रा होती है, जो एक होती है वो ए की मात्रा होती है, है ना? इससे पहले हमने ए की मात्रा वाले शब्द किए थे, आज हम आई की मात्रा करेंगे। क पर आई की मात्रा लगाई तो कई, खई, गई, घई, अण, चई, छई, जई, झई, अण, टई, ठई, डई, ढई, अण, तई, थई, दई, ढई, नई, पई, फई, बई, भई, मई,
यई रई लई वई शई, शई सई हई शई त्रई गई, है ना। तो हमने आज क से ज्ञ तक किसकी मात्रा लगाई, आई की मात्रा, है ना। आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो आपको भी ऐसे सुंदर सुंदर राइटिंग में क से ज्ञ तक आई की मात्रा लगाकर बोल बोल कर लिखना है। और आप कौन सा पेज करेंगे, इस वाली बुक में आपको करना है पेज नंबर 34 एंड 35। डू पेज नंबर 34 एंड 35 इन दिस बुक, ओके। एंड इन दिस बुक इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको ये मैंने एक ही मात्रा वाले शब्द करवाए थे, तो चित्र देखकर उनके नाम लिखो। ये चित्र बने हुए हैं, आप सबको मैंने सिखा भी दिया है, तो आप सब चित्र देखकर इनके नाम लिखेंगे। शेर, जेल, केला, गणेश, पेड़, हथेली, करेला, सेब, बेल, मेज, जलेबी, लालटेन, है ना। और यहाँ पर भी आपको एक ही मात्रा वाले शब्द करने हैं। और श्रुतिलेख, श्रुतिलेख क्या होता है, श्रुतिलेख में होता है बोलते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपके मम्मी पापा जो भी है वो कोई सा भी शब्द बोलेंगे और आपको यहाँ लिखना है, जैसे डिक्टेशन होता है ना इंग्लिश में, है ना, बोलते हैं फिर लिखते हैं। तो आपको सुनना है और बिना देखे लिखना है, फिर हमारी 6 नंबर बुक कंप्लीटेड हो जाएगी, ओके। सो प्लीज डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन, ओके। थैंक यू।